एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी के साथ जो 80% एक रेट है इसका क्योर होने का वो बढ़ता ही जा रहा है, तो मैं ये जानना चाहूँगी और हमारे ऑडियंस भी जानना चाहेंगी कि ऐसी कुछ ट्रेंड्स या फिर एडवांसमेंट्स, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो हम, जिसकी वजह से हमें अवेयर होना चाहिए। मैडम ये आ नहीं रही, ये आ चुकी हैं। हम अपने संस्थान में ये इलाज कर रहे हैं और दशक बाय दशक जी ये इलाज टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट के कारण हम जीत पा रहे हैं। सर अगर ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात की जाए तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या क्या अवेलेबल हैं और हाउ डू दे वर्क। देखिए साधारण सा इलाज है, इनको दवाइयाँ कहते हैं, और अगर डरना हो तो इनको कीमोथेरेपी कह दीजिए। इनकी इन दवाइयों को टारगेट थेरेपी के साथ मिला के कंबाइन करते हैं, नसों से दवाइयाँ जाती हैं, एक टारगेट थेरेपी और एक कीमोथेरेपी। ये 21 दिन में लगती है या 15 दिन में लगती है, 4 से 6 महीने का इलाज है। संपूर्ण रूप से इलाज मुमकिन है और 4 से 6 महीने में आप क्योर हो जाते हैं, तो इसको कठिन नहीं बनाते, ये बहुत ही आसान इलाज है। कीमोथेरेपी नस में जा वेंस में जाती है, टारगेट थेरेपी वेंस में जाती है। दोनों ही लिम्फोमास में, नॉन हॉजकिन और हॉजकिन में, विभिन्न प्रकार की कीमोथेरेपी और विभिन्न प्रकार की टारगेटेड थेरेपी हैं। इनको मिलाएँ और संपूर्ण इलाज लें और सक्सेस लें और सर्वाइवर बने और समाज में संदेश दें कि हम ठीक हो चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। सर बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया था कि न्यू एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी के साथ जो 80% एक रेट है इसका क्योर होने का वो बढ़ता ही जा रहा है, तो मैं ये जानना चाहूँगी और हमारे ऑडियंस भी जानना चाहेंगी कि ऐसी कुछ ट्रेंड्स या फिर एडवांसमेंट्स, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो हम, जिसकी वजह से हमें अवेयर होना चाहिए। मैडम ये आ नहीं रही, ये आ चुकी हैं। हम अपने संस्थान में ये इलाज कर रहे हैं और दशक बाय दशक जी ये इलाज टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट के कारण हम जीत पा रहे हैं। और अब जब हम ट्रेनिंग लेते थे तो नॉर्मल कीमोथेरेपी होती थी, फिर ट्रेनिंग के दौरान ही रिटुक्सिमाब नाम की दवाई आई, अब पोलाटुजुमाब नाम की दवाई आ गई है। अब हम कहते हैं पोलाटुजुमाब, रिटुक्सिमाब और कीमोथेरेपी को मिलाएं तो 80% को भी बढ़ा के 90% तक ला सकते हैं। ऐसे ही हॉजकिन लिम्फोमा में दशकों से ABVD नाम की दवाई चल रही है, अब हम कह रहे हैं ब्रेंटक्सिमाब नाम की भी एक दवाई आ गई है। जिन पेशेंट्स को हाई स्टेज है या ज़्यादा बीमारी है, स्टेज ज़्यादा है, तो उनमें ब्रेंटक्सिमाब डालें। तो ये आविष्कार हैं, ये रिसर्च है जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, और इस कंटिन्यूस प्रोसेस का लाभ मिल रहा है हमारे मरीजों को। जो 10-20% नहीं भी ठीक हो रहे थे, उनमें से भी आधे और ठीक होने लग गए हैं। तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मरीजों को लाभ हो रहा है और साइंस को लाभ हो रहा है। क्या बात है सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सर इसका रीज़न जानना चाहेंगे कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। देखिए बाकी कैंसर को देखें तो आज देश में कैंसर का मेन कारण है तंबाकू, स्मोक्ड फॉर्म में जिसको बीड़ी सिगरेट कहते हैं, या स्मोकलेस फॉर्म में जिसको पान मसाला खैनी ये कहते हैं। अल्कोहल का सेवन एक कारण है, ओबेसिटी एक कैंसर का कारण है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा इनसे नहीं होता है। ये एक हर एक कैंसर में एक जीन्स इन्वॉल्व हैं। जीन्स का मतलब फैमिलियल नहीं, जीन्स का मतलब कोई ना कोई म्यूटेशन होती है। ये अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है साइंस में कि क्या कारण है हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के। कुछ थ्योरीज हैं, कुछ वायरसेस के इन्फेक्शन से हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं आया कि इसके सेवन से या इसके अब्यूज से हॉजकिन या नॉन हॉजकिन होता है। ये एक रिसर्च क्वेश्चन है, मे बी नेक्स्ट 5 or 6 decades में इसका आंसर हमें मिले। सर जो ये लिम्फोमा नोड्स हैं ये बर्थ के साथ होते हैं या फिर टाइमली किसी भी एज में हो सकते हैं? नहीं, जैसे मैंने पहले बताया ये बच्चों में भी हो सकता है, बर्थ पे कोई लिम्फोमा नहीं होता। ये जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, 20 से 30 साल की आयु में आते हैं, तो हॉजकिन होने का चांस है। नॉन हॉजकिन भी बच्चों में होता है, बड़ों में भी होता है। कोई तो एज का, आयु का इस बीमारी से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ कुछ कुछ दशकों में एक सर्ज आता है, बट ये एक्सट्रीम ऑफ एजेस में भी संभव है, किसी को भी हो सकता है। सर क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंट नहीं कर सकते, अगर कोई ऐसे लक्षण आए तो निकटतम संस्थान में जाके इसको जल्दी से क्योर करा सकते हैं। प्रिवेंशन
जो कैंसर में है, कुछ कैंसर्स में है, जैसे फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, मेल्स में लंग कैंसर, फीमेल में लंग कैंसर अगर आप स्मोकर हैं, प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग, कोलोन कैंसर की स्क्रीनिंग, बट अभी तक लिम्फोमा की स्क्रीनिंग ना सुनी है ना प्रैक्टिस हो रही है, और मुझे लगता भी नहीं कि लिम्फोमा की स्क्रीनिंग आएगी। ये एक बीमारी है जो होने के बाद भी क्योर हो सकती है, तो अभी ये स्क्रीनिंग प्रोसेस में लिम्फोमा नहीं है। सर, ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मिथ्स भी अभी बर्स्ट हुए हैं। सर, अभी आपके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये जानना चाहेंगे कि आपके पूरे, आप सीनियर डॉक्टर हैं और आपके पूरे करियर में कुछ ऐसा आपने ह्यूमन हेल्थ के बारे में कुछ ऐसा लर्न किया जिसको जानकर आपको लगा कि मतलब दिस इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड थिंग? देखिए, ह्यूमन एक जो ह्यूमन हेल्थ है, ये परमात्मा की बनाई हुई एक ऐसी मशीनरी है जिसको पूरी तरह तो जीता नहीं जा सकता। यही एक संदेश है कि अपने शरीर को तंबाकू, स्मोक, अल्कोहल से नुकसान मत दीजिए, रोज़ सैर करिए, एक बैलेंस डाइट खाइए, स्ट्रेस मत लीजिए और स्वस्थ रहिए, और जानिए, अब जानकारी ही सबसे बड़ा प्रिवेंशन। बिल्कुल सर, आप क्या करते हैं स्ट्रेस फ्री रहने के लिए? हम आपसे बात कर रहे हैं और एक हम एजुकेट कर रहे हैं, और एक अच्छी नींद पाएंगे शाम को, और थोड़ा सा म्यूजिक सुन लेंगे, पुराने गाने सुन लेंगे राजेश खन्ना जी और अमिताभ बच्चन के, तो ये हमारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था, बहुत ही हमारे ऑडियंस को नॉलेज मिली होगी, मुझे बहुत सारी नॉलेज मिली है, थैंक यू सो मच। नॉलेज को फैलाना ही हमारा कर्तव्य है।